नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं गुरप्रीत सिंह, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लैंड ग्रोवर पे। किसान भाइयों, आज एक नई जानकारी के साथ आपके सामने आया हूं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने ट्रैक्टर का कूलेंट कब बदलें और क्यों बदलें, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। किसान भाइयों, आज की वीडियो पे हम आपको बताएंगे कि कूलेंट बदलने का सही समय क्या है और कूलेंट क्यों बदलना जरूरी है। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम अपने ट्रैक्टर का रेगुलर सर्विस करवाते हैं, समय समय पर सर्विस करवाते हैं, उसी तरीके से हमें अपने ट्रैक्टर का गियरबॉक्स का ऑयल, स्टेयरिंग का ऑयल, कूलेंट, ये सारी समय एक अवधि होती है, एक टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड पे हमें अपने ट्रैक्टर को समय से सर्विस करवाना होता है। तो किसान भाइयों, वैसे ही हमें अपने कूलेंट का भी एक टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पीरियड पे हमें कूलेंट चेंज करवा देना चाहिए। तो किसान भाइयों, जो कूलेंट होता है वो हमारे ट्रैक्टर के कूलिंग को बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, रेडिएटर में जंग लगने से बचाएगा, आपके ट्रैक्टर में इंजन में जंग लगने से, जंग रोधक होता है, जंग लगने से बचाता है, जिसके ट्रैक्टर आपका बहुत अच्छे समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए इंजन रखरखाव बढ़िया रहता है। जैसे कि आप सर्विस करवाते हैं रेगुलर, तो सर्विस में अगर आपने ऑयल चेंज करवा लिया तो क्या मतलब कि बहुत लंबी लाइफ हो गई ट्रैक्टर इंजन की? नहीं, आपने फुल सर्विस नहीं करवाया ट्रैक्टर, आपने इंजन ऑयल चेंज करवा दिया, फिल्टर चेंज करवा दिए, ठीक है, उसके बाद में आपने डीजल फिल्टर चेंज करवा दिए, नया इंजन ऑयल भी डाल दिया, लेकिन क्या वो इतना करना जरूरी है? नहीं, हमें समय समय पर बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि कूलेंट हो गया। कूलेंट का टाइम पीरियड होता है प्रत्येक 600 घंटे, हमें प्रत्येक 600 घंटे के बाद में अपने ट्रैक्टर में सारा पानी निकाल करके नया कूलेंट और नया पानी भरना बहुत जरूरी होता है, और समय समय पर उसको चेक भी करना है कि हमारे ट्रैक्टर में कूलेंट लेवल पूरा है, कम तो नहीं हो गया। और दूसरा, हमें समय समय पर ये भी चेक करना है कि हमारे इंजन में, हमारे रेडिएटर में पानी का लेवल कम तो नहीं हो गया, पानी का लेवल पूरा है और कूलेंट का लेवल भी पूरा होना चाहिए। और प्रत्येक 600 घंटे ट्रैक्टर चलाने के बाद में हमें अपने ट्रैक्टर में कूलेंट और पानी दोनों ही चेंज करवाने होते हैं। जैसे कि हमारे इंजन ऑयल की अवधि होती है 300 घंटे, वैसे ही ट्रैक्टर में इंजन कूलेंट की अवधि 600 घंटे होती है। तो हमें प्रत्येक 600 घंटे पर इंजन का कूलेंट चेंज करवाते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे इंजन की कूलिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा मेंटेन रहेगा और हमारे ट्रैक्टर की आयु, हमारे इंजन की आयु बहुत ही लंबे समय तक चलती रहेगी। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।